हूँ कानपुर और आपका आउटलेट तैयार है कल के लिए, ओपनिंग के लिए देख रहे हैं आप। तो हो गए हम रेडी और सीएनजी वाली अड्डी का अपनी तैयार है और अब हम चल रहे हैं कानपुर की तरफ। 6 घंटे का सफर है, पूरा मैं आपको दिखाऊंगा इस ब्लॉग में कि कैसे तैयारी होती है, सारी चीज़ें मैं बता ही चुका हूँ आपको। चलो सफर में निकल पड़ते हैं अपने। तो दोस्तों अब चल दिए हैं सप्लीमेंट्स विला फैमिली कानपुर की तरफ। और दोस्तों मैं बताना चाहूँगा आपको कि एक कमेंट बार बार आप कर रहे हैं कि भैया जो है ये फ्रेंचाइजी होती हैं क्या। मैं हर वीडियो में हर बार बताता हूँ कि ये फ्रेंचाइजी नहीं है, ये जितने भी आउटलेट्स ओपन हो रहे हैं सब आपके अपने आउटलेट्स हैं। और मैंने पूरा आपको प्रोसीजर बताया हुआ है कि किस तरीके से आउटलेट ओपन होते हैं, कैसे रेंट एग्रीमेंट से लेके और सारी चीज़ें। और ऋतिक कल आएंगे, ऋतिक कानपुर वाले, और उनसे मैं आपको ज़रूर मिलवाऊँगा क्योंकि ऋतिक ने जो है ये शॉप दी हमें सर्च करके। और ऋतिक हमारे सप्लीमेंट्स वाला फैमिली से जुड़े हुए हैं, कम से कम बता रहा हूँ ऋतिक से मतलब मेरी बातें हो रही हैं लगभग 3 साल से, मतलब लॉकडाउन से पहले वाले लॉकडाउन से पहले से जुड़े हुए हैं, 2018 से लगभग। तो जो है और ऋतिक से ही मैंने बोला था, ऋतिक कानपुर में जब भी आउटलेट ओपन होगा तो हेल्प करानी पड़ेगी, और भाई ने बहुत हेल्प की है। तो कल भाई का भी मैं जो है माला उसे स्वागत करूंगा, स्पेशली आपको बताऊंगा अभी कौन है वो ऋतिक। तो दोस्तों अब जो है सफर ये लंबा रहने वाला है, बाकी अब मैं आपको पहुँच कर ही वहाँ पर जो है दिखाऊंगा सारी चीज़ें, क्या अरेंजमेंट है क्या नहीं। तो आपको जुड़ना है सप्लीमेंट्स विला परिवार के साथ। अब परिवार क्यों कहता हूँ, क्योंकि जैसे मेरी सेहत है ऐसे आपकी सेहत है, समझ रहे हैं। इसीलिए फ्रेंचाइजी बेस पे नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मेरा गोल है कि कभी कोई एक भाई के साथ भी कुछ गड़बड़ ना होने पाए, क्योंकि फ्रेंचाइजी बेस में काफ़ी खतरा रहता है यार। और सप्लीमेंट्स विला एक नाम है पूरे इंडिया में, और मैं नहीं चाहता कि कभी भी किसी का विश्वास टूटे और हमेशा परिवार की तरह बने रहें। जैसे मैं अपनी सेहत समझता हूँ ऐसे आपकी समझता हूँ, इसीलिए इतनी सारी सावधानियाँ बरत के जो है एक आउटलेट ओपन होता है हमारा, महीने डेढ़ महीने में एक जाके कहीं। और अगला आउटलेट कहाँ ओपन होगा, पहले इसकी ओपनिंग हो जाए फिर बताऊँगा अगला कहाँ होगा। तो दोस्तों अभी हम पहुँचे हैं इटावा, और सप्लीमेंट्स विला कानपुर जो आउटलेट है अभी वो रह गया है, यहाँ से 170 किलोमीटर और है ऑलमोस्ट। तो दोस्तों हम पहुँच गए हैं कानपुर सिटी में, बिल्कुल सेम ही है सब कुछ, कुछ भी चेंज है नहीं यहाँ पे। तो चलिए हम एट द एंड पहुँच ही गए हैं यहाँ पर, अब चलेंगे हम यहाँ से सप्लीमेंट्स वाला आउटलेट। तो जाम ये बिल्कुल सेम है यार, सारी जगह कहीं चले जाओ, दिल्ली, गुरुग्राम, मेरठ, मथुरा, जयपुर, सब जगह यही जाम मिलेगा। बस अब हम 1 किलोमीटर दूर हैं और पहुँचने वाले हैं सप्लीमेंट्स वाला आउटलेट। तो दोस्तों पहुँच गया हूँ मैं कानपुर, आपका बाबा सिंह की ढाल और क्रांति चौराया पहुंच चुका हूं कानपुर, और आपका आउटलेट तैयार है कल के लिए, ओपनिंग के लिए देख रहे हैं आप। तो कल जो है पूरी ओपनिंग, रीबन शीवन सारी चीज़ें होंगी, और यहां पर अपना आउटलेट ये हमारा कानपुर सप्लीमेंट्स विला आउटलेट। कितने सारे भाई आएंगे, सबकी जो है मैंने पूरा वेलकम करने का इंतजाम कर दिया है, मालाओं के साथ वेलकम होगा, खाने पीने का सबका इंतजाम कर दिया है, क्योंकि फैमिली दिल से बोला है मैंने और दिल से मानता हूँ, और एक एक भाई का मालाओं के साथ स्वागत करूँगा। तो आपको भी जुड़ना है। और सो ये आ गए हैं हम अपने रूम में, रूम कहेंगे या फिर हम कहेंगे हॉल में, और पूरी जो है हम सप्लीमेंट्स वाला टीम जो है यहीं पर सोएगी रात को, और देन सुबह उठकर फिर सारी तैयारियाँ करनी है हमको। तो मिलते हैं कल सुबह, गुड नाइट, और ध्यान रहे अब कानपुर में भी मिलेंगे ओरिजिनल सप्लीमेंट्स। तो दोस्तों सुबह हो चुकी है और अब हम निकल रहे हैं यहाँ से, अपना जो है सारी जो हमारी टीम है जो साथ आई थी वो जा चुकी है, अब मैं जा रहा हूँ सप्लीमेंट्स वाला आउटलेट, और बज चुके हैं कितने, 10 बज गए हैं, और वहाँ से मेरे पास कॉल भी आ गई है कि बहुत सारे भाई हैं जो हमारा वेट कर रहे हैं। तो अब उनको ज़्यादा वेट मैं नहीं कराऊंगा, क्योंकि मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं और मुझे वेट कराना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो मैं बिल्कुल टाइम से पहुंचूंगा, बस अब यहाँ से जाऊंगा मैं, और उसके बाद फिर मैं बिज़ी हो जाऊंगा अपने भाइयों के साथ जो दूर दूर से आए हैं, अलीगढ़ से भी आए हैं, गाज़ियाबाद उत्तर प्रदेश से आए हैं यार, मतलब गाज़ियाबाद उत्तर प्रदेश से कानपुर का जो मतलब डिस्टेंस है वो पता है कितना है आपको, वो है ऑलमोस्ट 600 किलोमीटर। तो इतनी दूर दूर से भाई आए हैं, कल के चले हुए हैं, एक भाई तो झारखंड से भी आए हैं। तो मैं बिल्कुल वेट नहीं कराऊंगा, खाने पीने का सारे इंतजाम मैंने भाइयों का कराया है, अब स्वागत करने की मेरी बारी है। जैसा कि मैं कहता हूँ कि मुझे कुछ नहीं करना, मुझे स्वागत करना है, रिबन काटेंगे, मज़ा आएगा। आप चलते हैं सप्लीमेंट्स विला। भाई का दिल से स्वागत है यार, यहाँ पर ये सारे भाई, ये मेरे दिल का हिस्सा है यार सबके सब। तो दोस्तों यहाँ पर मेरे भाई ऋतिक, आज मैंने जो है ना मतलब मैं कहूँगा मेरा जीवन सफल हो गया, उसका उसका रीज़न बता देता हूँ। ऋतिक ने जितना मुझे गाइड किया है ना वो किसी ने नहीं किया। भैया आप ये प्रोडक्ट क्यों नहीं रखते हो, इसके ऊपर थोड़ी रिसर्च करो, इन्होंने जो है इवोजन को लेकर इतना इन्होंने बोला था, भैया ये क्यों नहीं रखते हो, भैया मैं आपको डीलर का नंबर दे देता हूँ, मैं सप्लीमेंट खरीदूँगा पर सिर्फ सप्लीमेंट्स वाला से खरीदूँगा। और यहाँ पर दोस्तों मैं कहता हूँ ना,
कि आप ही सब लोग हेल्प करते हैं और ऋतिक भाई ने ही हेल्प करी है ये आउटलेट ढूंढवाने में, ये सर्च करने में, पूरा मतलब सारा सिस्टम ऋतिक ने किया है। मैंने ऋतिक को बोल दिया था। ऋतिक कब से जुड़े हुए हैं आप? हमें भैया हो गया ऑनलाइन 4 साल से मैं जुड़ा हूँ। 4 साल से जुड़े हुए हैं। भैया से मन था मेरे को आने का, बट कोई घर में कारण की वजह से नहीं आ पाता था। हमने फाइनली भैया कानपुर में आ गए, अब सब इन्हीं से लेंगे सप्लीमेंट मिला से, क्योंकि यहाँ पे फेक मार्केट बहुत है जी। कोई रखा भी है तो कोई ऐसा इम्पोर्टर है जिसका आपको नाम ही नहीं पता होगा जी। तो आप यहाँ पे आओ, कहीं मत जाओ, भैया डाइट देंगे, गाइड करेंगे जो सप्लीमेंट होगा। एक इनकी अच्छी ये बात लगी मुझे कि जब रिक्वायरमेंट होती है तभी सप्लीमेंट देते हैं, अदरवाइज सप्लीमेंट का कोई मतलब नहीं। और यहाँ पर जो है मतलब मैं ऋतिक का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा। ऋतिक आपने जो है यहाँ पर सप्लीमेंट्स वाला आउटलेट ओपन ये कराया, ये इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। और यार ऋतिक अब तो मतलब तगड़े से हो गए हो कुछ। पहले मेरा 90 kg वजन था जी, इस समय मैं 74 kg और मतलब फिटिंग में भी हो गया बढ़िया। तो भैया ऋतिक ने मुझे बताया कि ऋतिक ने जो है ना मतलब इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ, काफी बार मतलब जैसे ही मेरे पास मैसेज आता कि ऋतिक बात करना चाहते हैं, ऋतिक बात कर, मैंने भैया ऋतिक से तो पहले बात कराओ यार। तो ऋतिक भैया बहुत बहुत स्वागत है आपका यार, बहुत बहुत स्वागत है, बहुत कांग्रेचुलेशन भैया। थैंक यू ऋतिक, थैंक यू ऋतिक। तो दोस्तों यहाँ पर जो है अब इतने सारे भाई आए हैं तो थोड़ा लंच टाइम हो गया है, तो जो है यहाँ शाहरुख भाई आए हुए हैं, हमारे भाई आए हुए हैं, और जो स्पेशल मेरे से कहते हैं भैया मैं लंच नहीं करूँगा। मैंने भैया मुझ पे हाथ जुड़वा लो, आप लंच मत करो, मुझे लंच करा दो। तो मैंने स्पेशल भाइयों के साथ लंच कर रहा हूँ और ये मुझे सबसे अच्छा लगता है। और मैं पूछना भी चाहूँगा भैया कैसा लग रहा है आपको यहाँ के? बढ़िया लगा भाई। कैसा लगा? बिल्कुल शाहरुख फैमिली वाली फीलिंग है। तो दोस्तों आपको भी जुड़ना है, और हमारे जो है यादव जी भी बैठे हुए हैं और पहले चूरन चटनी खा के नुकसान भी उठा चुके हैं। यादव जी कैसा लगा यहाँ के? बहुत बढ़िया। जुड़ना है आपको सप्लीमेंट वाला परिवार। दोस्तों अब जो है हो चुका है कंप्लीट ओपनिंग जो हमारी थी आज की। आप देख रहे हैं आपने कितने सारे भाई आए, कितनी दूर दूर से आए, चित्रकूट से, और मतलब मेरा दिल खुश हो गया, गाजियाबाद से और लोनी से और पता नहीं कहाँ कहाँ से भाई आए थे। मैं सबको जो है सैल्यूट करता हूँ इस प्यार सपोर्ट के लिए। तो अब बच चुके हैं हमारे कितने, 6 बज चुके हैं, और अब सारे भाइयों को मैंने पर्सनली सबको अटेंड किया, पर्सनली सबका वेलकम किया, आपने देखा ही सब कुछ आप ही के सामने हुआ है। तो अब हम चलते हैं वापसी अपने पलवल की तरफ। जी हाँ, क्योंकि पलवल कल मुझे रहना है कल। और अगला जो हमने डिसाइड किया है कि अगला आउटलेट कहाँ ओपन होना है, वो हमने डिसाइड किया है अलीगढ़ उत्तर प्रदेश का। तो वहाँ पर भी हम जल्दी आउटलेट, देन उसके बाद फिर पंजाब की तरफ हम रुक करेंगे। तो दोस्तों अब यहाँ से चलते हैं हम वापस अपने पलवल की तरफ, पूरी टीम हमारी जो है वो साथ जाएगी अपनी सीएनजी वाली अर्टिगा में, आपको बताइए यार। तो अब सफ़र रहने वाला है हमारा कितनी देर का, ये रहेगा सफ़र हमारा 6 से 6.5 घंटे लगेंगे। तो हम पहुँचेंगे ऑलमोस्ट रात के 12-1 बजे तक पलवल। तो चलते हैं आप पलवल, बड़ा मज़ा आया, आपके इस प्यार और सपोर्ट के लिए दिल से सैल्यूट करता हूँ। तो आप भी विजिट कर सकते हैं कानपुर उत्तर प्रदेश, और मैं आपको एक बार फिर से जो अंदर बाहर से थोड़ी लोकेशन दिखा देता हूँ कि क्या कौन सी लोकेशन पे है कानपुर में, अगर आप आना चाहें ओरिजिनल सप्लीमेंट्स लेने के लिए। भाई हमारे भाई आए हुए हैं कानपुर से ही है ना भैया? जी कानपुर से ही है भैया। हमने ये बिल्कुल बाबा सिंह की ढाल जो कि पॉपुलर प्लेस है यहाँ, बाबा सिंह की ढाल, और ये रही अपनी सप्लीमेंट्स वाला आउटलेट शॉप, ये रही अपनी शॉप। तो यहाँ आप आ सकते हैं, ऑनलाइन तो कोरियर सर्विस है ही, बाकी बाबा सिंह की ढाल और ये अपनी शॉप। तो दोस्तों आज का काम यहाँ पर ख़त्म है, अब हम चलते हैं आगे की तरफ, और अगला जो है मैं व्लॉग बनाऊंगा इसी तरीके का लोकेशन अपडेट लेकर अलीगढ़ उत्तर प्रदेश। जी हाँ, जल्दी मैं मिलूँगा आपको अलीगढ़, अगला आउटलेट ओपन होगा अलीगढ़ में।